जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, फर्स्ट फंक्शन इज ए ट्रांसपोर्टेशन। यस, फर्स्ट फंक्शन इज ए ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन के अंदर अपन बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, किन किन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक सब हेडिंग लगा लेना, दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। हाँ, कि ये क्या करता है, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करता है ना। हाँ, अपन ने कहा ट्रांसपोर्टेशन है ना, और ट्रांसपोर्टेशन में अपन किसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं, गैसेज का। बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है? यस, बताइए कौन कौन सी गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपकी बॉडी में कौन कौन सी गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है? ऑक्सीजन एंड CO2, और किसी का नहीं होता। हाँ, और ये किसी का नहीं होता है क्या? हाँ, इसके अंदर फिर सब हेडिंग लगाना, दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ऑक्सीजन। यस, है ना। अपन कहते हैं O2 CO2, और किसका होता है उसकी भी बातें करेंगे। पहले आ जाओ किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। बच्चों, कुछ सिंपल सिंपल बातें, चलो चैट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, मैं कहता हूं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो करता है, लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने का काम किसका होता है? ब्लड के अंदर आपके इतनी चीजें हैं, इन इतनी चीजों में से कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाती है? हाँ, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाने वाली चीज ही कौन सी है? कौन सी है? RBC। यस, और कोई? हाँ, हीमोग्लोबिन, RBC प्लस हीमोग्लोबिन। चलो शाबाश, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। बच्चों, मैं कहता हूं आपकी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है, RBC पाई जाती है। क्या पाई जाती है? RBC पाई जाती है ना। हाँ, ध्यान से सुनो, ये जो RBC होती है, इस RBC के अंदर केवल और केवल क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। केवल और केवल क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आगे अपन देखेंगे कि RBC जो होती है, इस RBC की स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की क्या होती है, आपकी RBC की स्ट्रक्चर होती है ना। हाँ, इस तरह थोड़ी सी, 1 मिनट 1 मिनट, इस तरह से क्या होती है, डंबल शेप की क्या होती है आपकी RBC होती है। ध्यान से सुनना, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। ये जो आपकी डंबल शेप की RBC होती है, इस RBC के अंदर यहां पे क्या पाया जाता है, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC में याद रखना, हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ भी नहीं होता है। जो आपकी RBC होती है, इसमें केवल और केवल क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। यस, इट मींस मैं कहता हूं RBC नहीं करवाती, ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। ओके, चलो, इतनी बात समझ में आई कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड गैस का ट्रांसपोर्टेशन है करता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है गैस का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। मैं कहता हूं आपकी बॉडी के अंदर दो गैस होती है ना, एक होती है ऑक्सीजन और एक क्या होती है, CO2 होती है ना। ऑक्सीजन जो होती है, इसका पूरा पूरा ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, हीमोग्लोबिन करवाता है। कौन करवाता है? हीमोग्लोबिन करवाता है। और हीमोग्लोबिन प्लस O2 अगर आपस में जुड़ते हैं, मैं कहता हूं ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं, दिस इज द ऑक्सी, 1 मिनट, दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस द ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब है O2 प्लस HB। O2 प्लस HB अगर आपस में जुड़े हैं तो ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हो, ऐसी कंडीशन को आप कहते हो दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों, इससे आगे की बात सुनो।
हाँ, मैं कहता हूं आपने एक नाम सुना होगा, चलिए इसको छोड़ दीजिए एक बार, वापस आएंगे अपन यहां तक। आपने एक नाम सुना होगा, दिस इज द SPO2, सुना है? क्या होता है SPO2? हाँ जी बताइए, चैट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज द SPO2? यस, SPO2 से एक बार क्वेश्चन आया था, SPO2 इंडिकेट, SPO2 क्या इंडिकेट करता है? हाँ, पार्शियल ऑक्सीजन। नहीं, पार्शियल ऑक्सीजन नहीं होता है। SPO2 क्या इंडिकेट करता है? यस, आप में से अभी एक आधा रिप्लाई पक्का आएगा कि दिस इज द सेचुरेशन, है ना? हाँ, अपन कहते हैं कि बंदे में क्या चेक कर लो, सेचुरेशन चेक कर लो। यस सर, भी है ना, हाँ, O2 का सेचुरेशन, O2 का लेवल, है ना, ये सेचुरेशन नहीं होता है। सेचुरेशन जस्ट आम भाषा का क्या है, नाम है ना। नॉर्मली अपन कहते हैं ऑक्सीजन सेचुरेशन, देख लो, है ना। सेचुरेशन का मतलब होता है कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ है, बाइंड है। मैंने कहा एक बार क्वेश्चन आया था कि SPO2 क्या इंडिकेट करता है, और वहां पे आंसर क्या था, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि आपका SPO2 क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या बताया मैंने, O2 प्लस हीमोग्लोबिन, कि आपकी बॉडी के अंदर है कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रखा है, इसको इंडिकेट करने का काम किसका होता है, SPO2 का होता है। मैं कहता हूं एक नॉर्मल पर्सन का SPO2 कितना होता है? यस, एक नॉर्मल पर्सन का SPO2 होता है 95% से ज्यादा, है ना। एक नॉर्मल पर्सन का SPO2 होना चाहिए 95% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 95 से कम है तो हम कहते हैं इस बंदे को ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई है। तो इट मींस याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पता किससे चलता है, SPO2 से चलता है। किससे चलता है? SPO2 से। चलो वापिस आ जाओ। हाँ, लिख लिया होगा शायद आपने कि SPO2 क्या इंडिकेट करता है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट मींस O2 प्लस HB, है ना। नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, दिस इज द मोर देन 95%, मोर देन 95%। चलो आगे आओ, मैंने कहा O2 प्लस HB मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है बनाते हैं। बच्चों आपका जो एक HB होता है ना, हाँ, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो चार O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है। कितने O2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है? चार O2 मॉलिक्यूल के साथ है जुड़ता है। आपके एक हीमोग्लोबिन को जुड़ने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? चार ऑक्सीजन चाहिए। एक हीमोग्लोबिन चार चार ऑक्सीजन के साथ आपस में क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और क्या बना लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। क्या बना लेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसकी कंसेंट्रेशन होती है 97%। कितनी होती है? 97%। सेचुरेशन तो कितना होता है? 95% से ज्यादा, है ना। ज्यादा कहां तक है? 100% तक। परसेंट की जहां बात आती है वहां मैक्सिमम अपन जाते हैं 100% तक। तो मैं कहता हूं कि आपकी बॉडी के अंदर है SPO2 कितना होना चाहिए, 95 से लेके 100 तक होना चाहिए। लेकिन अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वैल्यू पूछी जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वैल्यू मतलब है कि कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दिस इज द 97%। 3% ऑक्सीजन जो होती है, हाँ, अभी ये सारी बात लिखेंगे, वो प्लाज्मा के अंदर क्या रहती है बच्चों, डिजोल्ड रहती है। वो प्लाज्मा के अंदर क्या रहती है, डिजोल्ड रहती है। हाँ जी बच्चों, अपन ने कहा 3% ऑक्सीजन है प्लाज्मा के साथ क्या रहेगी, डिजोल्ड रहेगी। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ क्या रहेगी, डिजोल्ड रहेगी। ओके, हाँ, और ये बची हुई, हाँ, बची हुई जो है वो क्या हो जाती है, यस, बची हुई जो है वो क्या रहती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड रहती है। तो बच्चों आपने हेडिंग क्या लगाई थी, हाँ, इतनी बात क्लियर। ऑक्सीजन के लिए अपन ने दो ही बात कही कि 97% तो किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। 3% किसके साथ, डिजोल्ड, डिजोल्ड का मतलब किसके साथ, प्लाज्मा के साथ। तो आपने हेडिंग लगाई थी बच्चों क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और इस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में लिख लेना कि क्या, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन में लिखते हैं अपन किसकी फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कितना? 97%, है ना। हाँ, इसके अलावा अपन कहते हैं डिजोल्ड फॉर्म, डिजोल्ड फॉर्म, और डिजोल्ड फॉर्म होती है कितनी, 3%। डिजोल्ड फॉर्म कितनी होती है, 3% होती है। हाँ, रिपीट द परसेंटेज सर। हाँ सुनो,
आईना, अपन ने कहा कि जो ऑक्सीजन होती है आपकी बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन के साथ 97% क्या रहती है, बाइंड रहती है। अगर मैं कहूं आपके अंदर 100% ऑक्सीजन है, तो 100 में से हीमोग्लोबिन के साथ केवल कितनी बाइंड होती है, 97% बाइंड होती है। बची हुई 3% किसके साथ घूमती रहती है, प्लाज्मा के साथ घूमती रहती है ना। हाँ, अपन कहते हैं मिक्सड इन प्लाज्मा, मिक्सड इन्हें प्लाज्मा, कि प्लाज्मा के साथ क्या रहती है, मिक्स ही रहती है। दिस इज द परसेंटेज, है ना। हाँ, कि अपन कहते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो 97% और 3%, 97 किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और 3% किसके साथ है, प्लाज्मा के साथ है, डिजोल्ड ही रहती है। ओके, हाँ, और O2+Hb मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेशन की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या होती है, तो दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि आपकी बॉडी के अंदर है जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज्यादा किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, सबसे ज्यादा किस फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है, तो हम कहते हैं दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके बच्चों, क्लियर बात यहां तक आई ना। हाँ, समझ में आई बात कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। यस, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। हाँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ऑक्सीजन, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ऑक्सीजन। सही, आ जाइए, क्लियर। हाँ, बाकी लोग बाकी कहाँ हो, हाँ यस, बाकी हाँ, अरे समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, अपन किसका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए CO2। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए CO2। हाँ, तो एग्जाम के अंदर दोनों क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, CO2 की मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्या है, CO2 की मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्या है। बच्चों, अपने CO2 की अगर बात करें तो CO2 की जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, दिस इज द बाइकार्बोनेट, क्या होती है, बाइकार्बोनेट, या अपन कहते हैं क्या, कार्बोनिक एसिड, क्या होती है, बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड होती है आपकी बॉडी के अंदर, है ना। याद करो, बाइकार्बोनेट क्या होता है, दिस इज द HCO3। हाँ, बाइकार्बोनेट क्या होता है, दिस इज द HCO3, और कार्बोनिक एसिड क्या होता है, दिस इज द H2CO3, H2CO3। H2CO3 का मतलब है कि जब कार्बोनिक एसिड टूटता है तो क्या बनाता है, H2O+CO2 बनाता है, क्या बनाता है, H2O+CO2 बनाता है। ओके, हाँ, H2O+CO2, ओके, ये मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड है। ओके, हाँ, और जब कार्बोनिक एसिड से HCO3 बनना होगा, हाँ, तो यहां से एक एच आयन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यस, एच आयन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो मैं सिंपल सी बात इतनी सी कहता हूं कि आपकी बॉडी के अंदर है जो CO2 होती है ना। हाँ, ये देखिए, ये क्या थी, CO2, तो ये CO2 पानी के साथ रिएक्शन करके, सुनना ध्यान से, CO2 पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती है, H2CO3 बनाती रही है ना, और इस H2CO3 को अपन क्या नाम देते हैं, दिस इज द कार्बोनिक एसिड, H2CO3 को अपन क्या नाम देते हैं, दिस इज द कार्बोनिक एसिड। इसके बाद मैं कहता हूं कि जब कार्बोनिक एसिड बन जाता है और इससे बाइकार्बोनेट बनना हो, तो ये एच आयन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और क्या बच जाता है, HCO3 बन जाता है ना। तो दिस इज द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। इस फॉर्म के अंदर आपकी बॉडी के अंदर 70% क्या पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म के अंदर कितनी पाई जाती है, 70% CO2 पाई जाती है। ओके, तो सिंपल सी बात कि आपकी बॉडी में CO2 किस फॉर्म में रहती है, तो
या तो बाइकार्बोनेट में या किसमें, कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। कितने परसेंट? 70%। और 70 है तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन है। कि CO2 ट्रांसपोर्टेशन की जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है वो कौन सी है, दिस इज द कार्बोनिक एसिड, या आप क्या कह सकते हो, दिस इज द बाइकार्बोनेट, क्योंकि इस फॉर्म में कितना होता है, 70% होता है। कितना होता है? 70%। दूसरी फॉर्म होती है इसकी, दिस इज द कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन का मतलब है CO2 प्लस HB, कि आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। CO2 प्लस HB और CO2 प्लस HB मिलके बनाती है कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन, जो कि होता है कितना, 22%। कितना होता है आपकी बॉडी में, 22% होता है। तीसरी फॉर्म जो होती है वो सेम होती है, दिस इज द डिसॉल्व्ड फॉर्म। और डिसॉल्व्ड फॉर्म जो होती है वो कितनी होती है, लगभग 7-8% होती है। कितनी होती है? 7-8% होती है। हाँ जी, डिसॉल्व्ड फॉर्म कितनी, 7-8% होती है। कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन कितना होता है, CO2 प्लस HB, है ना। कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन जो कि होता है 22%, और 70% क्या होता है, बाई कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड होता है, है ना। तो बच्चों साफ साफ पता चल रहा है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी होगी, दिस इज द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। दिस इज द बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, द मोस्ट कॉमन फॉर्म। ओके, चलिए, तो ये होता है किसका ट्रांसपोर्टेशन है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले पढ़ा अपन ने किसका ट्रांसपोर्टेशन है, आपकी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और ये है आपके CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों यहां से एक चीज आपको और बताता हूं मैं, हाँ यहां से एक चीज और सुनो, अगर बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HB जुड़ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या जुड़ जाए, HB, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, दिस द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, CO प्लस HB, है ना, CO प्लस HB, दिस इज द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन बॉडी नॉर्मली। हाँ, ये बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता है। क्या? CO प्लस HB, है ना। CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आती है, धुएं से आती है। मैं कहूं कहीं पे आग लग गई, है ना, हाँ इस रूम में आग लग गई और एक बंदा अंदर फंस गया, है ना, तो बंदा अंदर फंस गया तो उसमें धुआं अंदर जा के क्या होगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, है ना, जो कि नॉर्मल पर्सन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट इन बॉडी नॉर्मली, है ना। हाँ, नॉर्मल पर्सन में अपने अंदर ये चीज प्रेजेंट नहीं होती। अगर ये प्रेजेंट हो गई तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। अपने अंदर जो फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, दिस द कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। कौन सी होती है? दिस द कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आगे। हाँ जी, क्लियर बात इतनी? यस, एक बार बताइए चैट सेक्शन में जल्दी, इतनी बात है क्लियर? Yes. हाँ जी, तो अपन कहते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चों ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है, दिस इज द गैसियस हार्मोन। क्या होता है? गैसियस हार्मोन होता है ना। मैंने कहा ऑक्सीजन CO2 का तो होता है, लेकिन एक चीज और होती है जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? गैसियस हार्मोन होता है। क्या होता है? गैसियस हार्मोन। और अपन कहते हैं इस गैसियस हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। अकेला हीमोग्लोबिन ही है जो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है
है ना, वो चाहे O2 हो, चाहे CO2 हो, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम किसका होता है, आपके हीमोग्लोबिन का होता है। तो ब्लड आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का भी क्या करवाएगा, ट्रांसपोर्टेशन है करवाएगा। तो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में अपन तीन चीजें पढ़ते हैं, दिस द O2, CO2 एंड ए नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड तो क्या है, गैसियस हार्मोन है। इसके अलावा अपन कहते हैं O2 एंड ए CO2। बच्चों जो दो क्वेश्चन कॉमन पूछे जाते हैं वो है मोस्ट कॉमन फॉर्म, O2 की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 की मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है, दिस द बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ओरे क्या काम करता है, ये तो अपन ने कौन सा फंक्शन पढ़ा है, हाँ ये तो अपन ने केवल पढ़ा है कौन सा फंक्शन है, हाँ ये यहाँ पे अपन ने एक हेडिंग लगाई थी, दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए गैसेज। यहाँ पे अपन ने एक हेडिंग लगाई थी जब ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग स्टार्ट की थी, तो ट्रांसपोर्टेशन में ए मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए गैसेज। चलो आगे आ जाओ, सेकेंड बी हेडिंग लगाओ अपना कि और ए किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यस बी हेडिंग लगाना, दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, दिस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट कि आपके जो ब्लड है वो ब्लड न्यूट्रिएंट का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड न्यूट्रिएंट का भी क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और न्यूट्रिएंट में आप कह सकते हो दिस द ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का करेगा है ना, एमाइनो एसिड का करेगा, हाँ आपकी बॉडी में किसका करेगा, ट्राइग्लिसराइड का करेगा, यस ट्राइग्लिसराइड, ग्लूकोज अमाइनो एसिड ट्राइग्लिसराइड, हाँ फैटी एसिड इन सब का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, यस ट्राइग्लिसराइड साथ में अपन कह सकते हैं, जैसे फैटी एसिड इन सब चीजों का क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। तो न्यूट्रिएंट जितने भी है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है आपके, यस ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है, आपके ब्लड का होता है। हाँ ब्लड आपके सभी न्यूट्रिएंट का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वेस्ट, हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ सी, इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वेस्ट है ना, हाँ कि वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन है ना, हाँ वेस्ट आपकी बॉडी में कौन कौन से है बच्चों, यस वेस्ट कौन कौन से हैं, हाँ जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उन मेटाबॉलिक वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है, आपके ब्लड का होता है, किसका होता है, ब्लड का होता है। हाँ आ जाओ कौन कौन से, यस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वेस्ट, वेस्ट में अपन एक कहते हैं कौन सा, क्रिएटिनिन, कौन सा क्रिएटिनिन, एक अपन कहते हैं यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन यूरिक एसिड वन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यस शाबाश है ना, दिस द क्रिएटिनिन यूरिया, हाँ क्रिएटिनिन यूरिया यूरिक एसिड है ना, हाँ इसके अलावा क्या, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, हाँ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एक और लिख लेना, दिस इज द यूरिया। बच्चों बताओ क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, What is the normal value of a creatinine? What is the normal value of a creatinine? Yes. Huh. 0.6 से 1.3 mg पर डीएल, 0.6 से 1.3 mg पर डीएल है ना, हाँ ये थोड़ी कम हो गई है एकता, हाँ ये हम कहते हैं 0.6 टू 1.3 mg पर डीएल। चलो इससे याद रखने के लिए देखो, इससे आगे का मैं कहता हूं कहां पे खत्म हुए थे, 1.3 पे हुए थे, अपन कहते हैं 3 से 8 mg पर डीएल, 3 से 8 mg पर डीएल किसका होता है, यूरिक एसिड का होता है, किसका होता है, यूरिक एसिड का होता है। इसके अलावा अपन कहते हैं 8 से 25 किसका होता है, वन होता है, 8 से 25 mg पर डीएल, यस दिस द 8 से 25 mg पर डीएल क्या होता है आपका, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और लास्ट क्या बच गया, यूरिया बच गया, लास्ट क्या बच गया, यूरिया, यूरिया अपन कहते हैं कितना होता है, दिस इज द 15 टू
45 mg पर डीएल, है ना, हाँ 15 से 45 mg पर डीएल, 15 से 45 mg पर डीएल, है ना। और ये जितने भी वेस्ट हैं, ये जितने भी वेस्ट हैं, ये सारे के सारे किसके कारण बनते हैं, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के कारण। किसके कारण बनते हैं बच्चों, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के कारण बनते हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के द्वारा वेस्ट बनते हैं, और ये जितने भी वेस्ट हैं वो सारों का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है, आपके ब्लड का होता है। याद रखने में इजी रहेगा, 0.6 से 1.3, 3 से 8, 8 से 25, है ना। और यूरिया हमेशा याद रहता है 15 से 45 mg पर डीएल। इसके अलावा और कौन सा वेस्ट होता है बच्चों, दिस इज द बिलुरुबिन, है ना। हाँ, और बिलुरुबिन का लेवल कितना होता है, यस नेक्स्ट वेस्ट की बात करता हूं क्या, बिलुरुबिन, है ना। हाँ, बिलुरुबिन का लेवल होता है 2 mg पर डीएल, सॉरी ये लिखो लेस देन 2 mg पर डीएल। बिलुरुबिन का जो लेवल होता है वो कितना होता है, लेस देन 2 mg पर डीएल होता है। कितना होता है, लेस देन 2 mg पर डीएल। बिलुरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। बिलुरुबिन बनता कहां से है, दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी ब्रेकडाउन। आरबीसी अगर टूटेगी तो आरबीसी ब्रेकडाउन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बच्चों, बिलुरुबिन होगा। आरबीसी का ब्रेकडाउन जब होगा तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, बिलुरुबिन होगा। चलिए बच्चों, क्लियर बात, हाँ जी लिखो यहां तक और तुरंत बताओ। हाँ, लिखते ही तुरंत बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ चलो बच्चों, इसके बाद अपन ने कही यस, है ना। हाँ सुनो, मैंने कहा इसके बाद अपन ने कहा, ये तो हो गया क्या, जितने भी वेस्ट थे, है ना। हाँ, ये जितने भी वेस्ट थे, इन सब का वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम किसका होता है, आपके ब्लड का होता है ना। इस दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन। ये बनते तो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के कारण है, बनते तो अलग अलग जगह है, लेकिन इनको कहां तक पहुंचाना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, है ना। जिस ऑर्गन से इनका एक्सक्रीशन होगा वहां तक पहुंचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। चलो नेक्स्ट अपन कहते हैं, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंजाइम, है ना, कि एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन। आप अलग अलग एंजाइम पढ़ोगे जीआईटी में, उन एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। इसके अलावा आप अलग अलग हार्मोन पढ़ोगे तो उन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम भी किसका होता है, ब्लड का होता है। एंडो जब आप पढ़ोगे, एंडोक्राइन में आप अलग अलग हार्मोन पढ़ोगे, वो सारे हार्मोन है आपके ब्लड के थ्रू ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। चलिए लास्ट हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में लगाइए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपका जो ब्लड है वो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम है, करता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बात करते हैं अपने, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट से थोड़े क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनको अपन डिटेल से बातें करेंगे, है ना। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करूं कि आपका ब्लड क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को ट्रांसफ्यूज करने का काम है, करता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन इज द सोडियम। हाँ जी, क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम को अपन क्या कहते हैं, दिस द एन ए, हाँ दिस द एन ए,
चलिए एन ए बताओ बच्चों, सोडियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए सोडियम? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए सोडियम? सोडियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 135 टू 145, क्या आगे क्या वैल्यू बताओ? यस, 135 से 145 तो ठीक है, लेकिन आगे क्या, एमजी पर डीएल या कुछ और? हाँ एमजी पर डीएल, शाबाश एमजी पर डीएल, हाँ यस, यही तो लोचा है ना, हाँ यहीं पे तो अपन मात खाते हैं। हाँ अगर आपको यस वेरी गुड आस्था, मिली इक्विलेंट ए पर डीएल, हाँ और कोई? हाँ यही तो वो चीजें हैं जहां पे अपने गलती करते हैं, है ना। हाँ कितनी सिंपल चीज है, अगर सिंपल सा मैं कहूँ, एग्जाम के अंदर बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको टेम्परेचर पूछा जाता है, व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, है ना, और आपको ऑप्शन दिया जाता है 36, 37, 38, 39, तो फिर अपन सोचते हैं यार एक्जिला का थोड़ा कम है, ओरल का थोड़ा ज्यादा है, है ना, ओरल का नॉर्मल है, रेक्टल का थोड़ा ज्यादा है, क्या माने। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां अपन नहीं करते हैं, ओके। हाँ तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सोडियम का होता है मिली इक्विलेंट पर लीटर, है ना। हाँ जो डीएल बता रहे हैं डीएल नहीं होता है। हाँ एकता बड़ी लेट बोली एकता, हाँ कहाँ थी एकता? यस है ना, हाँ कहीं कोई सर्च तो नहीं कर लिया ऊपर, है ना, ऑनलाइन क्लास में यही होता है। यस अपन बीच बीच में कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन क्लास के फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है ना। हाँ बढ़िया नेट चल रहा है और नेट चलते चलते ऊपर से नोटिफिकेशन आता है ना। हाँ कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी किसके साथ हुआ था, हाँ अभी मैंने कहा था कि समृद्धि के साथ, मैंने कहा था कि बच्चे ने फोन में क्या कर दिया, टाइप कर दिया। तो ऐसा कई बार ऐसे भी होता है, हाँ कि ऊपर मैसेज तो कहीं और कर रहे थे और वो आ गया यहाँ पे, है ना। हाँ बार बार ऊपर से स्वाइप कर करके रिप्लाई करते रहते हो, तो ऐसी हरकतें मत किया करो, पहले ही बता देता हूँ, है ना। हाँ वरना पब्लिक में बेइज्जती हो जाएगी, जो मैसेज पर्सनल जाना है वो इधर खिसक जाएगा, है ना। हाँ चलो आ जाओ, सोडियम का लेवल, सोडियम का लेवल कितना बताया, 135 टू 145 मिली इक्विलेंट पर लीटर। बच्चों सोडियम का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम? यस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर? हाँ आपने लेवल तो बता दिया, लेकिन सोडियम का काम क्या होता है? यस सोडियम का काम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सोडियम का काम क्या होता है? सोडियम जो होता है अट्रैक्टिव वाटर, वाटर बैलेंस करता है ना, कंट्रोल बीपी, यस मेंटेन बीपी। बच्चों मैं कहता हूँ सोडियम का काम होता है ओस्मोटिक प्रेशर को क्या करना, मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। वैसे तो अपन इन प्रेशर के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे, है ना। हाँ वैसे तो आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल सी चीज आपको मैं बता देता हूँ, है ना। हाँ लिखना नहीं है केवल समझना है। मैं कहता हूँ ये एक मेरे पास क्या है, डब्बा है। हाँ ये मेरे पास क्या है, एक डब्बा है, और इस डब्बे में मैंने क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। इस डब्बे में क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। बच्चों ये बताओ, यस हाँ जी ये बताओ, ये पानी क्या चाहता है? पानी चाहता है फ्री मूवमेंट करना। इस बोतल में पानी है, इस पानी को जैसे ही मौका मिलेगा पानी कहाँ भाग जाएगा, बाहर भाग जाएगा, है ना। पानी हमेशा कहाँ जाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। पानी हमेशा फ्री मूवमेंट करना चाहता है। हाँ सब कुछ भूल जाओ, है ना। हाँ ये जो अपन फंक्शन बता रहे हैं ये भी भूल जाओ, केवल इतना याद रखो कि पानी का नेचर कैसा होता है, फ्रीली बहना होता है। पानी ये चाहता है कि मुझे कोई रोक टोक पसंद नहीं है, मैं फ्रीली घूमता रहूं। तो पानी प्रेशर किधर जाने के लिए लगाता है, यस ये जो वाटर है ये प्रेशर लगा रहा है कैसे ना कैसे मैं बाहर निकल जाऊं, कैसे ना कैसे कहां निकल जाऊं, बाहर। और पानी की तरफ से जो प्रेशर लगता है पानी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो बोलते हैं। हाइड्रो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, पानी के लिए। तो पानी का जो प्रेशर होता है वो कौन सा प्रेशर होता है, दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
कौन सा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वाटर अगर प्रेशर लगाता है तो कैसा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कहां जाने के लिए लग रहा है? बाहर जाने के लिए लग रहा है। आप इसे डब्बा मान सकते हो, है ना? आप इसे अगर डब्बा नहीं मानो तो आप इसे क्या मान सकते हो? यस, आप इसे मान सकते हो क्या? वन मिनट। Yes, आप इसे मान सकते हो अपनी क्या? ब्लड वेसल। हाँ, आप कह सकते हो कि ये क्या थी? आपकी ब्लड वेसल थी। हाँ, ये मैंने कहा ये क्या थी? आपकी ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल के अंदर मैंने कहा क्या? यस, इस ब्लड वेसल में क्या था? पानी था बच्चों। और ये पानी कहाँ जाना चाहता है? बाहर निकलना चाहता है। और पानी के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो कैसा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर है? पुशिंग प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? पुशिंग प्रेशर है। पुशिंग का मतलब बाहर धक्का दे रहा है ना, कि भाई साहब बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। तो बाहर निकालने वाला प्रेशर कौन सा होता है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। समझ में आई बात? हाँ, लिखना नहीं है, इतना बताओ। इतनी सी बात समझ में आई कि पानी का नेचर होता है फ्री मूवमेंट करना। पानी कोशिश करता है बाहर निकलने की, तो बाहर निकलने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है वो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यस, क्लियर और नॉट? हाँ, यस। आगे सुनो, मैं कहता हूं इस पानी के अंदर, है ना, हाँ, मैं कहता हूं ये जो पानी था, ये जो ब्लड था, इस ब्लड के अंदर सोडियम भी था, इसके अंदर पोटेशियम भी था, और इसके अंदर क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन भी था। क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। इसके अंदर सारी की सारी चीजें थी, है ना। इसमें सोडियम भी था, मैग्नीशियम भी था, फॉस्फेट भी था, बहुत सारी चीजें थी, है ना। हाँ, अब मैं कहता हूं कि सोडियम को पता है, सपोज करो चलो ये बोतल है, इस बोतल में मैंने सोडियम डाल रखा है ना। अब सोडियम को पता है कि अगर पानी बाहर चला गया तो मेरा अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सोडियम बेचारा किसके भरोसे बैठा था? पानी के भरोसे बैठा था। पोटेशियम किसके भरोसे बैठा था? पानी के भरोसे बैठा था। मैं कहूं अगर इसमें से पानी बाहर चला गया तो सोडियम और पोटेशियम तो बेचारे मर जाएंगे, है ना। उनको कौन इधर उधर लेके घूमेगा, है ना। वो अपना फायदा देख रहे हैं। अगर मैं कहूं सारा का सारा पानी बाहर भाग गया तो अंदर जो सोडियम पड़ा है, पोटेशियम पड़ा है, प्लाज्मा प्रोटीन पड़े हैं, वो तो एक जगह बैठे रह जाएंगे, उन्हें लेके जाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बेचारे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि पानी बाहर ना जाए। इट मीन्स ये पानी को अंदर की तरफ खींचने का काम करते हैं। और सोल्यूट, इनको अपन कंबाइंड में क्या बोल सकते हैं? सोल्यूट बोल सकते हैं। सोल्यूट के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो कौन सा प्रेशर होता है? ओस्मोटिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है? ओस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट का मतलब क्या? सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इसके अलावा प्लाज्मा प्रोटीन, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? सोल्यूट। पानी को छोड़कर सब क्या है? सोल्यूट है। पानी प्रेशर लगा रहा है बाहर जाने के लिए और सोल्यूट उसे रोक रहे हैं कि भाई बाहर मत जा, तू अगर चला गया तो हमारा क्या होगा, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इन्हें मरने से बचने के लिए जो प्रेशर लगा रहे हैं, पानी को कहां खींच रहे हैं? अंदर की तरफ खींच रहे हैं। और अंदर की तरफ खींचने वाला प्रेशर कौन सा होता है? ओस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसे अपन कहते हैं कौन सा फोर्स? पुलिंग फोर्स कहते हैं। पुलिंग का मतलब खींचने वाला फोर्स कहते हैं। आई बात समझ में बच्चों? ओस्मोटिक प्रेशर कौन सा होता है? यस, ओस्मोटिक कौन सा होता है और हाइड्रोस्टेटिक कौन सा होता है? यस, जल्दी बताओ, दो प्रेशर बताए मैंने, एक तो हाइड्रोस्टेटिक जो बाहर जाता है, एक कौन सा? ओस्मोटिक जो अंदर खींचता है। हाँ, ये दोनों बातें क्लियर? जल्दी बताओ। जो सोल्यूट लगा रहे हैं वो तो कौन सा? ओस्मोटिक। जो पानी लगा रहा है वो कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक। कौन सा? हाइड्रोस्टेटिक। अब सुनो ध्यान से, हाँ, अब इन सब चीजों को भूल जाओ वापिस। मैं कहता हूं कि यहां पर आपकी क्या प्रेजेंट है? ब्लड सेल प्रेजेंट है। हाँ जी बच्चों, ध्यान से सुनना, आपको बताना है। मैं कहता हूं यहां क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है।
ओके, और अगर सेल प्रेजेंट है और मैं कहता हूं इस बंदे में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया, कौन सा प्रेशर बढ़ गया? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो बताओ बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो पानी किधर जाएगा, बाहर जाएगा या अंदर आएगा? हाँ जी, इस बंदे में ये जो ब्लड वेसल थी, इस ब्लड वेसल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो गया है? बढ़ गया है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पानी बाहर जाएगा या अंदर आएगा? शाबाश, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। और बाहर जाएगा तो पानी बाहर निकल निकल के क्या कर देगा? सेलुलर एडिमा कर देगा। क्या कर देगा? सेलुलर एडिमा, आपकी सेल सूज सूज के ये हो जाएगी। हाँ, क्या हो जाएगा पेशेंट के अंदर? एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। चलो बच्चों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अगर कम हो गया, कम को क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, है ना। कम होगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, बाहर वाला थोड़ा बहुत कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। चलो दूसरी तरफ आओ, मैं कहता हूं अगर इस बंदे के अंदर, हाँ, कौन सा प्रेशर बढ़ जाए? यस, चलो ये बताओ, मैं कहूं इस बंदे के अंदर, हाँ, ये जो ब्लड वेसल थी, इस ब्लड वेसल के अंदर है ओसमोटिक प्रेशर, कौन सा प्रेशर? ओसमोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? ओसमोटिक प्रेशर इंक्रीज। ध्यान से सुनना, कौन सा प्रेशर बढ़ गया? ओसमोटिक प्रेशर बढ़ गया तो पानी कहाँ जाएगा? यस, ओसमोटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर या अंदर? हाँ, ओस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा या अंदर जाएगा? हाँ जी, कहाँ जाएगा? अंदर। शाबाश बच्चों, मैं कहता हूं अगर ओस्मोटिक बढ़ेगा तो पानी यहां से निकल निकल के कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। सेल बेचारी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सेल बेचारी क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। चलो इसका अपोजिट मैं कहता हूं कि अगर ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए? डिक्रीज, तो पानी कहाँ जाएगा? यस, अगर ओस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो पानी कहाँ जाएगा? ओस्मोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाए तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। शाबाश, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, है ना। और बाहर जाएगा तो मैं कहता हूं क्या हो जाएगा? फिर वापिस सेलुलर एडिमा हो जाएगा। पानी अगर बाहर जाता है तो सेलुलर एडिमा, पानी अगर अंदर आता है तो सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बढ़िया चलते ही रहते हैं, है ना। तो याद रखना है कौन सा प्रेशर बाहर जाने के लिए होता है, कौन सा अंदर जाने के लिए होता है ना। हाइड्रोस्टेटिक बढ़ा तो पानी बाहर, हाइड्रोस्टेटिक कम तो पानी अंदर। मैंने कहा ओस्मोटिक बढ़ा तो पानी अंदर, ओस्मोटिक कम हुआ तो पानी बाहर। आ जाओ अपने इधर वाली बात पे आ जाओ, जो बात अपन ने अभी लिखी थी। अपन ने कहा था हेल्प टू मेंटेन द ओस्मोटिक प्रेशर। सोडियम का काम क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अगर मैं कहूं इफ पर्सन हैविंग, इफ पर्सन हैविंग सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, अगर किसी पर्सन के अंदर क्या हो जाए? सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो जाए तो इसके कारण क्या हो जाता है? डिक्रीज ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओस्मोटिक कम क्यों हुआ? क्योंकि अपन ने कहा था कि जो सोल्यूट है वो सोल्यूट ही क्या लगाते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं। सोल्यूट कौन सा प्रेशर लगाते हैं? ओस्मोटिक प्रेशर। तो अगर सोल्यूट कम हो गया, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, इट मीन सोल्यूट कम, सोल्यूट कम तो ओस्मोटिक प्रेशर भी कम। यस सर, भी सर बीपी बढ़ेगा अगर ओस्मोटिक बढ़ेगा तो। यस, बीपी बढ़ेगा, ओस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो पानी को अंदर खींचेगा, अंदर खींचेगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ, वो सिंपल सी चीजें कि अगर इस कैपिलरी के अंदर पानी आएगा, है ना, इस कैपिलरी में कोई भी फैक्टर अगर पानी को लाता है तो बीपी बढ़ेगा, अगर कोई भी फैक्टर पानी को बाहर निकालता है तो बीपी क्या होगा? कम होगा। चलो आओ, अगर मैं कहूं इफ
सन हैविंग सीवियर हाइपोनेट्रीमिया, तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और बच्चों अगर ओस्मोटिक प्रेशर है, पर्सन हैविंग सीवियर हाइपोनेट्रीमिया डिक्रीज ओस्मोटिक प्रेशर, बंदे का ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओस्मोटिक प्रेशर अगर कम होगा तो पानी किधर जाना चाहिए बताओ, बाहर या अंदर? हाइपरवोलेमिया भी होगा सर, यस होगा, है ना। पानी अगर अंदर आएगा तो क्या होगा, हाइपरवोलेमिया, यस। सिमरन बीपी बढ़ेगा, है ना, बीपी बढ़ेगा तो हाइपरवोलेमिया होगा, है ना, किसके कारण, इस ओस्मोटिक प्रेशर के, ओस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने के कारण। ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यानी सोल्यूट बढ़ गए, सोल्यूट हमेशा पानी को खींचते हैं। अगर मैं कहूं डिक्रीज ओस्मोटिक प्रेशर है तो पानी कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, और बाहर की तरफ जाएगा तो क्या कोज करेगा, सेरिब्रल एडिमा कोज करेगा, क्या कोज करेगा, सेरिब्रल एडिमा कोज करेगा, यस बच्चों, क्या कोज कर दिया इसने, सेरिब्रल एडिमा कोज कर दिया, ओके। और सेरिब्रल एडिमा कोज कर दिया तो हम कहते हैं पर्सन में कैसे सिम्टम आने लग जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने लग जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने लग जाते हैं ना, सेरिब्रल एडिमा कोज किया, और सेरिब्रल एडिमा कोज किया तो कैसे सिम्टम आने लग गए, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आने लग गए, यस। सेरिब्रल एडिमा कोज करेगा, सेरिब्रल एडिमा कोज करेगा तो कैसे सिम्टम आएंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर आ रहे हैं तो पेशेंट को एज ए मैनेजमेंट अपन क्या देते हैं, यस, इसका मैनेजमेंट भी लिख लेना, इज द NS3%, है ना। नॉर्मल सेलाइन क्या देते हैं अपन पेशेंट को, 3% देते हैं, जो कि कैसा सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक होता है। कैसा सोल्यूशन होता है बच्चों, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ ए हाइपर ए क्या, दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर सॉरी हाइपोनेट्रीमिया। अगर किसी पर्सन के अंदर सोडियम कम हो गया तो उसे क्या दे दो, NS3% दे दो, है ना। वो यही मैं कहूँ, सोडियम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यस। इसका उल्टा मैं कह सकता हूँ, अगर सोडियम ज्यादा होगा तो पर्सन में वॉल्यूम भी क्या होगा, सर ये हाइपोवोल्यूम हाइपोनेट्रीमिया है क्या हाइपर है, यस, तुम बताओ क्या है, सीवियर है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया अगर होता है तभी ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। हाइपोनेट्रीमिया होगा पारुल तभी आपका क्या होगा, कम होगा, अदरवाइज कम नहीं होगा, है ना, अदरवाइज कम नहीं होगा। चलिए आ जाइए आगे, यस, क्लियर बात इतनी सी, यहां तक की बातें क्लियर, यस, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट आओ पोटेशियम लेवल, अगली बात करते हैं किसकी, पोटेशियम लेवल की करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड वन, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्टेशन अपन पढ़ रहे हैं, अपन बात कर रहे थे ब्लड के फंक्शन की, और ब्लड के फंक्शन में अपन आ गए कहां पे, आपके ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते पढ़ते अपन आ गए कहां पे, इलेक्ट्रोलाइट पे, और इलेक्ट्रोलाइट
में बात कर रहे हैं किसकी, पोटेशियम की। यस बताओ नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की क्या होती है, पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, यस जल्दी बताइए, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए पोटेशियम, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए, तो अपन ने कहा दिस द 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट है पर लीटर। हाँ अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वैल्यू नहीं लिख रहे हैं आज, है ना। हाँ वो इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि कंफ्यूजन है। याद रखना सोडियम और पोटेशियम दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे होते हैं, है ना। किसमें होते हैं, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे होते हैं, बाकी सारे के सारे किस पे होते हैं, एमजी पर डीएल। केवल कौन कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। चलो आ जाओ, पोटेशियम अपन ने कहा दिस इज द 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाँ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है आपका, पोटेशियम होता है। बच्चों पोटेशियम की खास बात यह होती है कि ये कार्डियक रिदम को अफेक्ट करता है। पोटेशियम जो होता है वो क्या करता है, कार्डियक रिदम को अफेक्ट करता है। इफ पोटेशियम लेवल इंक्रीज और डिक्रीज, हाँ डिक्रीज और इंक्रीज, प्लेस द पेशेंट ऑन कार्डियक मॉनिटर। अगर ऐसी कंडीशन है तो बंदे को किस पे रख दो, कार्डियक मॉनिटर पे रख दो। यस अगर मैं कहूं पोटेशियम का लेवल कम या ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट को किस पे रखते हैं, कार्डियक मॉनिटर पे रखते हैं। क्यों रखते हैं, बिकॉज चेंज इन पोटेशियम लेवल, पोटेशियम का लेवल अगर ऊपर नीचे होगा, इट कैन अफेक्ट द हर्ट रिदम। ये आपके हर्ट की रिदम को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। हाँ अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तुरंत हर्ट की रिदम है चेंज हो जाएगी। कार्डियक सिस्टम में आप पढ़ोगे ईसीजी, है ना, तो वहां पे आप देखोगे कि आपके पोटेशियम लेवल के साथ साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। बच्चों ये चीज नोट कर लेना कि आपके हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया का क्वेश्चन है ईसीजी से रिलेटेड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इस नोट सेट में भी क्वेश्चन आया था कि पेशेंट में हाइपोकैलेमिया है क्या ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। हाँ टेकीकार्डिया वगैरह देखने को मिलेंगे लेकिन ईसीजी के अंदर भी क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे जो आप कहां पढ़ोगे, कार्डियक सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। चलो आगे बच्चों ये बताओ, अगर किसी पर्सन को पोटेशियम का लेवल बढ़ गया, चलो किसी पर्सन में हो गया हाइपरकैलेमिया, इस हाइपरकैलेमिया वाले बंदे के अंदर कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। हाँ जी ये बातें तो अपन हेल्थ सिस्टम में करोगे, है ना। हाँ पोटेशियम के रिलेटेड ईसीजी वाली बातें आप हर सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। आगे फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट जहां पढ़ते हो आप वहां भी इसकी बात करोगे। लेकिन ये बताओ अगर किसी पर्सन के अंदर हाइपरकैलेमिया हो रहा है तो पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया होगा। हाइपरकैलेमिया, हाँ हाइपरकैलेमिया के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया होता है, यस जल्दी बताओ, कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन, हाँ पोटेशियम लेवल बढ़ने से सर क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसका मतलब तो हाँ पोटेशियम लेवल बढ़ने से कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब ज्यादा होने पे डायरिया होना चाहिए। सॉरी पोटेशियम लेवल बढ़ने पे कॉन्स्टिपेशन, तो कम होने पे फिर क्या होना चाहिए, डायरिया है। हाँ कि सर इसीलिए तो उसे केला खिलाते हैं, वही लॉजिक नहीं लगा रहे आप कहीं, यस वो केले वाला लॉजिक तो नहीं लगा रहे कि सर डायरिया के अंदर पेशेंट को क्या देते हैं, केला खाने को देते हैं ताकि पोटेशियम रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, है ना। हाँ ऐसा नहीं है बच्चे, सुनो ध्यान से सुनो, यस ध्यान से सुनो, है ना। हाँ मैं समझ गया आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हो बच्चे, ये बताओ। चलो
इसको छोड़ो एक बार, हाँ इधर आ जाओ। मैं कहता हूं एक बंदा है, हाँ वही लॉजिक पे आ जाओ, एक बंदा है जिसको क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। एक पर्सन है, हाँ जी सुनना ध्यान से, मैंने कहा एक पर्सन जिसे क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। और डायरिया होने पे अपन कह रहे हैं किसका लॉस हो रहा है, पोटेशियम का लॉस हो रहा है। और पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो अपन उसे क्या खिला रहे हैं, बनाना खिला रहे हैं, उसे केले खिला रहे हैं कि भाई साहब आप केले खाओ। हाँ आपको अगर कौन डायरिया हो रहा है तो आप क्या खाओ, केले, क्योंकि आप में पोटेशियम का क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंटेस्टाइनल फ्लूड होता है, इंटेस्टाइनल फ्लूड जो होता है उसके अंदर रिच क्या होता है, पोटेशियम होता है। उसके अंदर अच्छा खासा पोटेशियम देखने को मिलता है। इंटेस्टाइनल फ्लूड जो है उस इंटेस्टाइनल फ्लूड के अंदर पोटेशियम क्या होता है, अच्छा खासा होता है, ज्यादा होता है। बस यही लॉजिक था। हाँ ये बात आप सबको पता होगी। यस बच्चों बताओ, इतनी बात पता होगी, इसी के बेसिस पे आपने लॉजिक लगाया होगा। आगे सुनो, मैं कहता हूं उस फ्लूड में क्या ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा है। जब डायरिया होगा तो इंटेस्टाइनल फ्लूड का क्या होगा, लॉस होगा। इंटेस्टाइनल फ्लूड का लॉस होगा तो किसका लॉस होगा, पोटेशियम का लॉस होगा। और पोटेशियम का लॉस होगा तो हम कहते हैं क्या खाया, केला खा, ताकि तेरा पोटेशियम क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब सुनो ध्यान की बात, इंटेस्टाइनल फ्लूड में पोटेशियम ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, ज्यादा। अगर किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा, सुनना ध्यान से, अगर किसी पर्सन के अंदर पोटेशियम बढ़ेगा, इट मीन्स उसके अंदर इंटेस्टाइनल, उसके अंदर क्या बढ़ेगा, इंटेस्टाइनल फ्लूड भी बढ़ेगा। उस बंदे के अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर मेरे अंदर हाइपरकेलेमिया है, पोटेशियम का लेवल ज्यादा है, तो मेरे अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूड भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और अगर इंटेस्टाइनल फ्लूड ज्यादा बनेगा तो मेरे अंदर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मेरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे अंदर क्या हुआ, पोटेशियम ज्यादा था, पोटेशियम ज्यादा था तो मेरा इंटेस्टाइन वाला फ्लूड ज्यादा बना, फ्लूड ज्यादा बनेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब बढ़ते हैं तो बंदा कहाँ चला जाता है, डायरिया की तरफ चला जाता है। कहाँ चला जाता है, डायरिया की तरफ चला जाता है। बच्चों इस पूरी प्रोसेस को ध्यान से सुनो। यस मेरे को लग रहा है रेड कलर आपको थोड़ा आंखों में चुभ रहा होगा, इजीली विजिबल नहीं हो रहा होगा। यस इसको ले आओ अपन ने इधर। हाँ अपन कहते हैं एक पर्सन को क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। हाँ और क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, ज्यादा। वो क्यों ज्यादा हुए, क्योंकि उसका इंटेस्टाइनल फ्लूड क्या है, ज्यादा। और वो क्यों ज्यादा है, क्योंकि पोटेशियम क्या था, ज्यादा था। अब सुनो ध्यान से, ये फिजियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये फिजियोलॉजी स्टार्ट हुई यहां से कि एक पर्सन जिसके अंदर पोटेशियम का लेवल क्या था, ज्यादा था। ध्यान से सुनना, एक बंदा जिसमें पोटेशियम का लेवल क्या था, ज्यादा था। पोटेशियम का लेवल ज्यादा था तो मैंने कहा इसके अंदर इंटेस्टाइनल फ्लूड क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। इंटेस्टाइनल फ्लूड ज्यादा बनेगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होंगे, ज्यादा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होंगे तो पर्सन को क्या हो जाएगा, डायरिया। और डायरिया हुआ तो बॉडी से पोटेशियम का क्या हो गया, लॉस हो गया, बॉडी में कंपनसेशन हो गया। अगर मैं कहूं पोटेशियम ज्यादा था तो इसे कम ही तो करना था, बॉडी ने तो अपने हिसाब से कम ही किया था। लेकिन अगर ये प्रोसेस ज्यादा हो जाए, डायरिया डायरिया डायरिया, यस पेशेंट को रुक ही नहीं रहा है ना, डायरिया कंटिन्यू, तो फिर पोटेशियम का लॉस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। फिर अपन उसे कहते हैं कि अब तू क्या खा, केला खा, ताकि तेरे अंदर जो लॉस हुआ है उसे क्या कर सके, रिप्लेस कर सके। अरे आई बात समझ में? हाँ तो सीक्वेंस अपने को यहां से लिखना स्टार्ट करना है ना। हाँ कि पोटेशियम जब इंक्रीज होता है तो इंटेस्टाइनल फ्लूड ज्यादा बनते हैं, फ्लूड ज्यादा बनेंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे तो डायरिया हो जाएगा, और डायरिया होगा तो बॉडी से पोटेशियम का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बॉडी के अंदर पोटेशियम का लेवल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो हम कहते हैं अगर डायरिया कंटिन्यू चलता रहा तो इसमें पोटेशियम की होगी कमी, और अब इसे क्या दे दो, खाने को बनाना दे दो, है ना, क्या दे दो, बनाना। चलो आई बात समझ में? यस जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर। हाँ तो याद रखना, पोटेशियम ज्यादा होने पे क्या होता है, डायरिया होता है। यस सीधा याद रख सकते हो, पोटेशियम ज्यादा होने पे क्या होता है, डायरिया होता है। यस फ्लूड लॉस भी हो रहा है ना, फ्लूड लॉस से पोटेशियम का कोई लेना देना नहीं है, है ना। हाँ फ्लूड लॉस तो हो ही रहा है।
है ना। फ्लूड लॉस के लिए अपन उसे क्या देंगे, फ्लूड देंगे, वो अलग मैटर है कि हम उसे ओआरएस पिलाएंगे, है ना। हाँ वो अलग मैटर है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल पोटेशियम की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है कि पोटेशियम है कम ज्यादा होने पे क्या होता है, बढ़ने पे तो क्या होता है, डायरिया। यस लिख लो ये सारी बात, हाँ ये सारी बात लिख लो कि पोटेशियम इंक्रीज होता है तो डायरिया कैसे होता है, पोटेशियम इंक्रीज होता है तो डायरिया कैसे होता है। हाँ अगली चीज लिखना, व्हेन व्हेन पोटेशियम लेवल डिक्रीज, जब पोटेशियम का लेवल कम होता है तो डिक्रीज इंटेस्टाइनल फ्लूड प्रोडक्शन, इंटेस्टाइनल फ्लूड का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पोटेशियम का लेवल कम होगा है ना, तो इंटेस्टाइनल फ्लूड क्या बनेंगे, कम बनेंगे, ये कम बनेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर कम हो गए तो मैं कहता हूं बंदे के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो हाइपोकेलेमिया तो क्या कोज करता है, कॉन्स्टिपेशन, और हाइपरकेलेमिया क्या कोज करता है, डायरिया कोज करता है ना। हाँ हाइपरकेलेमिया क्या कोज करता है, डायरिया कोज करता है, जबकि हाइपोकेलेमिया क्या कोज करता है, हाँ हाइपोकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया कोज करता है आपका कॉन्स्टिपेशन। यस बच्चों द कॉन्स्टिपेशन, चलिए लिखा सबने, हाँ लिखते ही तुरंत बताओ, आगे चलते हैं। यस लिखते ही तुरंत बताओ, फिर आगे चलते हैं। ओके चलिए चलो आ जाओ। अगर किसी पर्सन को हाइपोकेलेमिया है तो इस बंदे को क्या देंगे, हाँ जी अगर किसी पर्सन को क्या है, हाइपोकेलेमिया है, हाँ जी हाइपोकेलेमिया वाले बंदे को क्या देते हैं, दो रूट से दे सकते हैं, एक तो ओरल और एक आईवी। ओरल में तो अपन क्या देते हैं, एक तो देते हैं पोर्टक्लोर सिरप देते हैं, बच्चों क्या देते हैं, पोर्टक्लोर सिरप देते हैं। अगर किसी पर्सन में पोटेशियम की कमी हो गई है तो अपन क्या देते हैं, पोर्टक्लोर सिरप देते हैं, है ना। हाँ उसमें क्या होगा, पोटेशियम। ओके इसके अलावा अपन क्या देते हैं, हाँ पर्सन को क्या देते हैं, कोकोनट वाटर देते हैं, क्या देते हैं, कोकोनट वाटर। याद रखना कोकोनट वाटर के अंदर पोटेशियम क्या होता है, ज्यादा होता है, पोटेशियम रिच सोर्स। ओके पोटेशियम रिच सोर्स, कोकोनट वाटर के अंदर अच्छा खासा पोटेशियम होता है। इसके अलावा क्या देते हैं, अपने बनाना देते हैं, इसके अलावा क्या देते हैं, बनाना देते हैं, है ना। हाँ तो पोटेशियम रिच सोर्स के अंदर अपन कोकोनट वाटर देते हैं, कोकोनट वाटर के अलावा अपन क्या देते हैं, पेशेंट को बनाना देते हैं। बच्चों हाँ बहुत बार ऐसे होता है, आपने सुना होगा कि कोकोनट वाटर पी लो इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली कोकोनट वाटर पी रहे हो, है ना, अपन कहते हैं डेली सुबह सुबह कोकोनट वाटर पीने से बढ़िया एनर्जी फील होती है। हाँ हॉस्पिटल के अंदर भी आपने देखा होगा, जब मरीज कोई आता है आपके पास, है ना, जब कोई पेशेंट आता है तो उसके साथ जो भी मिलने आते हैं वो उसके लिए क्या लेके आते हैं, कोकोनट वाटर लेके आते हैं, है ना, उसे अमृत माना जाता है कि ये पियो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, एक बंदा है जिसको क्या हो रखा है, हाइपरकेलेमिया हो रखा है ना। एक साइड तो आप उसे क्या दे रहे हो, पोटेशियम करेक्शन दे रहे हो, है ना, इधर आप पोटेशियम करेक्शन देके गए, उधर उसके घर वाले बिठा के उसे बढ़िया क्या पिला रहे हैं, कोकोनट वाटर पिला रहे हैं। हाँ बढ़िया दिन के 3 कोकोनट वाटर दिए, फिर अगले दिन वापस एबीजी की, फिर पता चला कि आज और पोटेशियम ज्यादा, फिर पोटेशियम करेक्शन दे रहे हो, है ना, हमें पता नहीं चल रहा कि बढ़ क्यों रहा है, फिर देखने पे पता चलता है कि अच्छा भाई साहब क्या पी रहे हैं, कोकोनट वाटर पी रहे हैं। तो ये नर्स के काम होते हैं, पेशेंट को बताना कि क्या खाना है क्या पीना है,
ओके, तो याद रखना कोकोनट वाटर में पोटेशियम क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके अलावा किसमें ज्यादा होता है, बनाना में ज्यादा होता है। चलो आओ इसके बाद, आओ बच्चों इसके बाद बात करते हैं आईवी पोटेशियम की। आईवी पोटेशियम के लिए अपन क्या देते हैं, हाँ आईवी पोटेशियम के लिए अपन क्या देते हैं, इंजेक्शन है केसीएल देते हैं, क्या देते हैं, पोटेशियम है क्लोराइड देते हैं, इंजेक्शन है केसीएल। यस, पोर्टक्लोर जो सिरप आती है वो तो अपन क्या देते हैं, ओरली देते हैं। पोर्टक्लोर सिरप कैसे दी जाती है, ओरली पिलाते हैं, है ना। जो इन्फ्यूजन चलाते हैं वो किसका चलाते हैं, इंजेक्शन केसीएल का चलाते हैं। इंजेक्शन जो चलाते हैं, सॉरी इन्फ्यूजन वो किसका चलाते हैं, इंजेक्शन है केसीएल का चलाते हैं। केसीएल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना देते हैं, 10 मिलीक्विलेंट बराबर, कितना देते हैं, 10 मिलीक्विलेंट पर आवर देते हैं। यस, पोर्टक्लोर इज केसीएल, है ना, केसीएल होता है। अगर मैं कहूं ओरली दे रहे हैं तो अपन क्या देते हैं बच्चे, सिरप देते हैं, है ना। हाँ, लेकिन अगर आईवी दे रहे हैं, दिस इज द ब्रांड नेम, ओके, हाँ, जो साल्ट है वो क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, है ना। हाँ, तो वो अपन कैसे देते हैं, 10 मिली इक्विलेंट पर ओवर की स्पीड से देते हैं, ओके। हाँ, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंजेक्शन केसीएल को किसमें देना चाहिए, हाँ इंजेक्शन केसीएल को किसमें देना चाहिए, तो अपन कहते हैं किसमें, लार्जेस्ट वेन, सॉरी लार्जर वेन के अंदर, किसके अंदर देना चाहिए, लार्जर वेन के अंदर देना चाहिए, या अपन कह सकते हैं सेंट्रल लाइन से देना चाहिए, किससे देना चाहिए, सेंट्रल लाइन से देना चाहिए। अगर आप एक छोटी सी वेन देखे कि हाँ यहाँ एक छोटी सी वेन मिल गई और इससे क्या दे दिया, इंजेक्शन केसीएल दे दिया, क्या हो जाएगा, फ्लेबाइटिस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं वो आपकी वेन्स को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, आपकी वेन्स को इरिटेट करते हैं। और बच्चे अगर इरिटेट करेंगे तो मैं कहता हूं कि क्या होगा, फ्लेबाइटिस होगा। तो फ्लेबाइटिस ना हो इसलिए हमेशा किससे दिया जाता है, लार्जर वेन से दिया जाता है या सेंट्रल लाइन से दिया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलता है कि ऑलवेज ऑलवेज प्लेस द पेशेंट, Always place the patient on a cardiac monitor. Patient को हमेशा किसके ऊपर रखना है, कार्डियक मॉनिटर पे रखना है, when on KCL infusion, है ना? जब बंदा किस पे हो, KCL infusion पे हो। अगर कोई पर्सन है KCL infusion पे है तो कभी भी अपन उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपन उसको किस पे रखेंगे, हाँ अपन उसे रखेंगे कार्डियक मॉनिटर पे। इसके अलावा बच्चों जो इंजेक्शन केसीएल है वो कभी भी बोलस नहीं दिया जाता, नेवर गिवन बोलस, कभी भी अपन क्या नहीं देते हैं, बोलस नहीं देते हैं। कैसे देना है, ऑलवेज स्लो इन्फ्यूजन, हमेशा क्या देना है, स्लो इन्फ्यूजन देना है। डोज क्या रहेगी, 10 मिलीक्विलेंट पर होर रहेगी, है ना। 10 ml में 10 मिलीक्विलेंट ही होता है, 10 ml का केसीएल का इंजेक्शन आता है उसके अंदर 10 मिलीक्विलेंट ही होता है। तो हम कहते हैं 10 मिलीक्विलेंट ही देंगे अपन पर घंटे की स्पीड से, उससे ज्यादा अपन नहीं देंगे, है ना, उससे ज्यादा अपन नहीं देंगे। इसके अलावा कभी बोलस नहीं देंगे, है ना, इसके अलावा हमेशा स्लो इन्फ्यूजन अपन यूज करेंगे। इसके अलावा अगर ज्यादा देना ही पड़े पेशेंट को, अगर सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो, सॉरी हाइपोकैलेमिया हो, तो अपन कहते हैं नेवर गिवन मोर देन 20 मिलीक्विलेंट पर आवर, 20 मिलीक्विलेंट पर आवर से ज्यादा तो किसी भी हालत में नहीं देना। क्वेश्चंस दो तरह के पूछे जाते हैं, है ना, नॉर्मल डोज अगर पूछी जाती है, दिस इज द 10 मिलीक्विलेंट पर आवर, अगर यही पूछ लिया जाए, है ना, मैक्सिमम डोज, एक पर्सन जिसे केसीएल का इन्फ्यूजन चल रहा है उसकी मैक्सिमम डोज क्या होगी, तो मैक्सिमम डोज की जहां बात आती है वहां अपन कहते हैं दिस इज द 20 मिलीक्विलेंट पर आवर, दिस इज द 20 मिलीक्विलेंट पर आवर। दूसरा हमने कहा ये कार्डियक रिदम को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कार्डियक रिदम को अफेक्ट करता है, दिस इज द पोटेशियम, है ना, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कॉन्स्टिपेशन डायरिया करवाता है, ज्यादा हो गया तो डायरिया, कम हो गया तो कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा अपन ने कहा कि अगर अपने को वापिस देना है, कम है और अपन देना चाहते हैं, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, है ना। हाँ, ज्यादा होने पे क्या करते हैं वो बातें अपने आगे डिस्कस करते रहेंगे, है ना। हाँ, जब अपने आप रीनल सिस्टम पढ़ोगे, रीनल में आप पढ़ोगे हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या करते हैं हाइपरकैलेमिया के लिए, यस बताओ, हाइपरकैलेमिया अगर किसी को है तो उस बंदे को क्या देते हैं, पोटेशियम ज्यादा जब होता है तो बंदे को क्या दिया जाता है,
मैनेजमेंट क्या होता है? यस, यहां तक लिखा होगा सबने। हाँ बताओ, पोटेशियम ज्यादा होने पे मैनेजमेंट ए क्या होता है? पोटेशियम ज्यादा होने पे मैनेजमेंट ए क्या होता है? इंसुलिन प्लस ए डेक्सट्रोज, है ना। हम पेशेंट को क्या देते हैं? इंसुलिन प्लस ए डेक्सट्रोज देते हैं। इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज अगर दोगे तो पोटेशियम को कहां शिफ्ट करवा देगा? सेल के अंदर शिफ्ट करवा देगा। पोटेशियम आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेल के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम क्या करवाते हैं? नेबुलाइज करवाते हैं। नेबुलाइज करवाने से, हाँ ये साल्बुटामोल है, नेबुलाइज साल्बुटामोल नेबुलाइजेशन भी आपका पोटेशियम को कहां शिफ्ट कर देता है? सेल के अंदर शिफ्ट कर देता है। इस ब्लड से कहां शिफ्ट कर देगा? सेल के अंदर। अपन ने कल पढ़ा था सेल के अंदर पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ, कितना? 144 से 154 मिली इक्विलेंट, है ना। तो अंदर बहुत सारा पोटेशियम है, थोड़ा बहुत और चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेशियम कहाँ भेज दो? सेल के पास भेज दो। इसके अलावा अपन क्या देते हैं? हाँ, इसके अलावा अपन के बाइंड सेचे देते हैं, है ना। के बाइंड सेचे देते हैं जो पोटेशियम को बाइंड कर करके क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। इसके अलावा अपन केग्सलेट एनिमा देते हैं जो पोटेशियम को क्या करता है? इस एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है ना। हाँ, सोडियम पोलिस्ट्रोन सल्फोनेट एनिमा भी देते हैं, है ना, जिसे अपन केग्सलेट एनिमा कहते हैं, जो पर्सन का पोटेशियम लेवल डाउन करने में मदद करता है। ओके, इन सब के बारे में अपन बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। यस बच्चों, जो पढ़ा वो समझ में आया? यस, आज हमने ब्लड के बारे में बेसिक बेसिक बात की है। दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, और फंक्शन में केवल अपन एक फंक्शन पढ़ा है, कौन सा? ट्रांसपोर्टेशन है फंक्शन। और ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन में अपन ने चार पांच पढ़े हैं, गैस का, इलेक्ट्रोलाइट का, एंजाइम का, हार्मोन का, न्यूट्रिएंट का, है ना। इसके बाद हम आगे के फंक्शंस की बातें करेंगे। यस, डायलिसिस भी कर सकते हैं। विद्या, एनिमा कौन सा देते हैं? यस, लिख लेना। हाँ चलो लिख लेना कि अगर किसी पर्सन को हाइपरकैलेमिया होता है तो जो एनिमा देते हैं अपन, दिस इज द सोडियम है पोलिस्टेरोन सल्फोनेट एनिमा, सोडियम पोलिस्ट्रोन सल्फोनेट एनिमा। ओके, या इसे अपन कहते हैं दिस द केग्सलेट एनिमा, शॉर्ट में अपन इसे नाम देते हैं दिस द केग्सलेट एनिमा। ओके, हाँ, ये क्या करता है? इंटेस्टाइन वाले पोटेशियम को कम कर देता है। जो इंटेस्टाइन के अंदर पोटेशियम है उस पोटेशियम को बाहर खींच के ले आएगा, है ना। तो आपकी बॉडी के अंदर अपने आप पोटेशियम की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दिस इज द केग्सलेट एनिमा। ओके बच्चों, यस विद्या लिखा। यस, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में, है ना। हाँ चलिए, इससे आगे की बातें करेंगे अपन कल की क्लास में। चलिए, थैंक यू सो मच। यस, ओके, थैंक यू।